100% सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली, वो भी ट्रेडिशनल स्टाइल में। तो सबसे पहले हमने चावल को अच्छे से 2-3 पानी से धोया है रगड़ रगड़ के, और ये है अरवा चावल जिसे हम फूलने के लिए रख देंगे। 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं और ये अब अच्छे से फूल गया है। अब हम इसका बैटर बना लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बनाना है, और उसके बाद हम एक बाउल में निकाल लेंगे बड़े से फैलेदार बर्तन में। अभी आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लॉपी बैटर बन के तैयार है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसे ढक देंगे करीब करीब 2 से 3 घंटे के लिए। 4 घंटे भी रह जाएंगे तो कोई बात नहीं, जब ये फूलेगा ना तो बहुत ही बढ़िया इडली इसकी बनेगी। और हमें इसमें ना सोडा या फिर बेकिंग पाउडर मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब हम ढक्कन हटा दिए हैं 3 से 4 घंटा बाद, और अभी आप देख सकते हैं इसको हम फिर से मिक्स करेंगे, और इसमें ना हम पानी उनी कुछ मिक्स नहीं करेंगे। और यदि गाढ़ा लगे आपको तो थोड़ी सी पानी डाल सकते हैं। तो मिलाने के बाद मुझे लगा कि थोड़ी सी और ज़रूरत है इसको थोड़ी सी पानी डाल के मिलाने की, तो हमने ज़्यादा नहीं 2 चम्मच पानी डाले हैं और अब हम इसको मिला लेंगे। एकदम परफेक्ट बैटर बन के तैयार है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसी बैटर से ना हम डोसा भी बना सकते हैं और वड़े भी बना सकते हैं। इडली मेकर में हम एक एक करके डालते जाएंगे सांचे में, और एक एक चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि जब ये फूलेगी ना तो और भी बड़े बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और पहले से हमने तेल ग्रीस करके इसमें रखा हुआ था इसलिए हम जल्दी जल्दी डाल देंगे। और दूसरी तरफ पानी उबलने के लिए रखा हुआ था, तो पानी में हम डालेंगे हमारा इडली का सांचा। और एक बार में ना 16 इडली बन के तैयार होंगे। ढक देंगे और 15 मिनट में मीडियम फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे। 15 मिनट बाद मैं खोल रही हूँ, मुझे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमें आइडिया हो गया है बनाते बनाते कितना टाइम लगेगा। तो अभी आप चेक करके देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इडली बन के तैयार है, थोड़ी सी भी चिपचिपी नहीं है। और अब हम इसे गर्मा गर्म सांभर बादाम की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो जल्दी से ट्राई कीजिए, फीडबैक दीजिए। और इसमें जैसा कि वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ चावल के बैटर से ही हमने बनाया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करें, पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन करें ज़रूर। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।